तुझे क्या खबर मेरी हमनवा, तुझे क्या पता क्या अज़ाब है, न गुजर सके न ही मिल सके मेरी जिंदगी वो शराब है। एक मिनट भी नहीं लगाया यार, एक ही वार में उसने मुझे लहूलुहान कर दिया। तो एक फीसद भी चांस नहीं रहा कि बबली मेरे पास लौट के आएगी। यही जिंदगी का दूसरा रुख है बेटा, तेरे दिल पे जो जख्म लगे हैं उसे तू ही भर सकती है। मैं, तेरा बाप या कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। तुम तो रशीद में अच्छी हो ना, करोगे वही जो तुम्हारे दिल में आएगा। भाड़ में जाए बबली और भाड़ में जाए उसकी नफरत। वो क्या नफरत करेगी जितनी मैं उससे नफरत करता हूँ। हर बार अपने अंदर के शैतान को मैंने सुनाया कि छोड़ यार बासुंदी लगती है, लेकिन वो तो बड़ी चालाक निकली। मेरी जिंदगी वो शराब है। क्यों सोच रही हो उस मनहूस की बातों को? अरे वो तो रहती मौके की तलाश में है ना, मत जला अपने आप को। अम्मा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुमने कुछ देखा ही नहीं है। अरे मैंने पहले रशीद मिर्ची की बात नहीं मानी तो फिर वो मेरी खुशियों का कातिल, मैं कैसे सुन लूं उसकी बात? सबर कर जा बेटा, आने दे अपने बाप को। तू देख मैं इसके साथ क्या करती हूँ। यो तो इसे इस घर से निकलवाऊंगी मनुस मारी को, या कम से कम नीचे आना तो बंद करवाऊंगी इसका। कुछ ज्यादा ही मुंह नहीं लग गई ये औरत? यार मैं तो खुद इसके मुंह नहीं लगती, खुद ही आ जाती है, लेकिन इसको पता नहीं है कि मैं इसका क्या हाल कर सकती। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है बेटा, सबर कर जाना, आने दे तेरे बाप को। तू देख मैं इस औरत का किस्सा कैसे तमाम करती हूँ, फिक्र मत कर। मेरी समझ नहीं आ रहा कि इसकी इतनी जुर्रत है मुझसे कह रही है कि मैं रशीद मिर्ची से शादी कर लूँ। खुद करे ना इस बुड्ढे से शादी, अगर इतना ही पसंद है तो। करना चाहती थी लेकिन उसने ही इसको घास नहीं डाली, जब ही मेरे भोले भाले अब्बा को फंसा गया। तो ये बात अंकल को पता है? नहीं तो फिर तो उन्हें बतानी चाहिए। अब्बा को बताती हूँ उसके चक्कर, फिर देखना क्या हाल करते हैं इसका। सही कंपनी, आने दे अब्बा को आज। एरम तुम यहाँ अकेले? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे बात करने की? अपनी औकात में रहो। प्लीज एरम एक बार, बस एक बार बैठ के मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन प्लीज बस एक मौका दे दो। तुम्हारा रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, कोई भी इज्जतदार लड़की बिल्कुल ऐसे ही करेगी जैसे तुम मेरे साथ कर रही हो, लेकिन मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है और तुम अगर माफ नहीं करोगी वो मिलती रहेगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी मॉम मेरे डैड और बहन की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अचानक उन्हें हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो शायद मेरी मॉम बच जाए, मेरे किए की सजा मेरी फैमिली को मिल रही है। कौन से हॉस्पिटल में तुम्हारी मॉम? हॉस्पिटल में तुम भी आना और मॉम को भी साथ लेकर आना, उन्हें अच्छा लगेगा। ओ, तो अब खुल्लम खुल्ला मुलाकातें होने लगी। अब तुम्हारा एरम से कोई लेना देना नहीं, बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। यानी तुम एरम के साथ घूमोगे फिरोगे? हाँ भाई, अब काहे का डर, किस बात का खौफ? वैसे एरम तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इरम तुम्हें इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इससे अब कोई रिश्ता नहीं रहा, इसका कोई हक नहीं है तुम पर। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए कि अब तुमसे जो जुड़ने वाला है इसका रिश्ता हमें तो बिल्कुल साइड पे कर दिया तुमने। चलो इरम हम यहां से चलते हैं, ये तो यहां से जाएगा नहीं। इरम मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे छोड़ा वो भी इस शख्स के लिए,
तुम ना जहनी मरीज हो सरमद, अपना ना जाके इलाज करवाओ। और मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, मैं तो दिलो जान से अपना घर बसाना चाह रही थी। तुम्हारी इस घटिया सोच ने ना सब कुछ खत्म कर दिया। हिरम का एक एक लफ्ज सच है। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई सरमद, सच में तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये आपको चेक जिसने भी दिया है उन्होंने अपना सिग्नेचर सही नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं आप? आप जरा ठीक से चेक कीजिए। मैडम हमसे गलती हो ही नहीं सकती, मगर जिसने भी आपको ये चेक दिया है उनको साइन करने में जरूर कोई गलती हुई है। अच्छा ठीक है, ओके। शबाना, शबाना, ऐसे नहीं आएगी मियाँ जी, चुटिया पकड़ के खींच के लाना पड़ेगा। क्या कह रही हैं आप? इससे बाद में बात करना, अरे मेरी बात का जवाब दो। क्या कह के गई हो तुम बबली से, जबकि तुम्हें मालूम है कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाला रशीद मिर्ची है। तुम उसे मशवरा दे के गई हो कि रशीद मिर्ची से शादी कर लो? नहीं, वो मैं तो साबिर हुसैन, वो और ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम रशीद मिर्ची को पसंद करती थी? नहीं, इल्जाम है मुझ पे। आप, इसने खुद तुमसे कहा है? जी। देखो शबाना, तुम क्या चाहती थी, किसे चाहती थी, इससे मुझे कोई गरज नहीं, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। और जो कुछ तुमने बबली से आके बकवास की है ना, इसकी तुम्हें खुद माफी मांगनी पड़ेगी बबली से। ये क्या कह रहे हो तुम साबिर से? मैंने कहा कि बबली से माफी मांगो अभी इसी वक्त। सुना नहीं तुमने? नहीं अब्बा, मुझे इन जैसों की माफी की जरूरत नहीं है। जो दिल में बुराई है ना, वो माफी मांगने या ना मांगने से खत्म नहीं हो जाएगी। पता नहीं हमने क्या बिगाड़ा था इन माँ बेटियों का। अरे घर किराए पे दिया, पूरे वक्तों में साथ दिया, और सिला क्या दिया दोनों ने? मेरे मियाँ पे डोरे डाल के शादी कर ली, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरी बेटी पे घिनौने इल्जाम लगाए, मैंने जाने दिया। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी साबिर हुसैन, बता दो अपनी शब्बों को। अब अगर किसी ने कोई बात की तो जबान खींच लूंगी मैं उसकी। तुमने अच्छा नहीं किया शबाना, मुझे दोनों बातें हजम नहीं हो रही। तुम रशीद मिर्ची को पसंद करती थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी तुमने? और अब बबली से इस किस्म की बातें? बेहतर यही होगा कि तुम बबली से माफी मांगो अभी इसी वक्त। माफी? माफी और मैं, वो भी इससे, बबली से? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं माफी हर किस नहीं मांगूंगी, हर किस नहीं। देखा देखा, तेवर देखे इसके, देख लो। काश मैं उमर के होते हुए कुछ होशियारी से काम लेती, मगर अब क्या करूं। उमर, तुमने वाकई अपनी आपा को बहुत सपोर्ट किया था। आई मिस यू उमर, आई रियली मिस यू।
सोच समझ के बात किया करना। जरूरत क्या थी ये बोलने की कि मिर्ची से शादी कर ले? मेरा जो जी में आएगा वो मैं बोलूंगी, मेरी मर्जी। कोई मुझे रोक के तो दिखाए, डरती है मेरी जूती। साबिर हुसैन, क्या बात है, तुम्हारी अकल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। बहुत मोहब्बत जाग रही है ना अपनी बेटी के लिए, वो सूखी सड़ी घमंडी। मेरे मुंह लग रही है ना, तुम देखना, अगर मैंने उस बबली का मुंह काला ना करवाया ना रशीद मिर्ची से कह के, तो मेरा नाम भी शब्बो नहीं। काश काश के रशीद मिर्ची उस उमर की जगह बबली और उसकी माँ को मार देता, एक ही बार में किस्सा ही तमाम हो जाता। ए होश से काम ले शबाना, जिस बात में आके ना अपने होश ना गवा। बस अम्मा, अब मैंने सोच लिया है, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। क्यों रहूं मैं इस घर में जहां मेरी बेइज्जती होती है? कुछ भी हो जाता लेकिन साबिर हुसैन को वो बबली और उसकी माँ के सामने मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। अब मैं नहीं रहूंगी इस घर में, नहीं रहूंगी। मैंने सब कुछ भुला कर उस साबिर हुसैन से शादी की, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, और उसने क्या किया? हर बार मुझे जलील करता है अपनी बीवी और अपनी बेटी के सामने। हम कहीं भी रह लेंगे लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, और इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? ये घर छोड़ के कहाँ जाओगी तुम? देखो शबाना, गलती तुम्हारी है और फिर गलती में गलती कर रही है, और मैं ऐसे तुम्हें जाने दूंगा? साबिर मियाँ, तुम्हें भी तो ख्याल करना चाहिए ना, आखिर बीवी है तुम्हारी। अब तुम इसको अपनी बेटी के सामने झुकाओगे तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब तुम ही ना इज्जत करो, और कोई क्या इज्जत करेगा इसकी? खाला, पहल शबाना ने की, इसे बबली को ऐसे नहीं कहना चाहिए। हर बार मैं ही बुरा करती हूँ ना तुम्हारी बेटी के साथ, वो तो जैसे कुछ कहती नहीं है, नन्नी है, काकी है, मासूम है। वो सबसे बुरी तो मैं हूँ ना, उसने बदतमीजी की थी मेरे सामने, इसीलिए मैंने उसे जवाब दिया और ये कहा था कि तुम कर लो शादी। अब देखो अम्मा, मुझ पे इल्जाम लगाए, मुझ पे, मैं क्या उस गुंडे मवाली मिर्ची को पसंद करती थी? और अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? आय शब्बो, अब छोड़ ना सारी बातें, देख अल्लाह तो देख रहा है ना, अब हम क्यों किसी का बुरा चाहेंगे भला है? मगर साबिर हुसैन को उनके सामने शब्बो नजर ही कहाँ आती है? शब्बो तो जैसे कहीं है ही नहीं ना, सब मुझे ही बुरा समझते हैं। तुम भी साबिर हुसैन, और तुम्हारी वो बीवी भी जमीला बानो, मुझ पे इल्जाम लगाया जबकि मैंने हमेशा तुम लोगों के लिए अच्छा किया, अच्छा सोचा। क्या करूं मैं, क्या करूं खाला मैं, क्या सच है क्या झूठ है मैं अंदाजा नहीं कर पा रहा। तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आया ना, कभी समझ आएगा, वो सब सच्चे हैं, मैं झूठी हूँ। इसलिए अब मैंने सोच लिया है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। और अम्मा तुम्हें चलना है तो चलो मेरे साथ, वरना मरो यही। शब्बो, शब्बो, बात तो सुनो। ये क्या बोल के गई है, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम, पागल हो गए? ये टाइम है तुम्हारा घर आने का? सुबह से घर से गायब हो। मैं गायब हूँ या आप गायब हैं? हमें आपका कब से वेट कर रही थी, मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। अगर नहीं आना था तो कम से कम कॉल करके तो बता देती ना। ओह माय गॉड, इरम, इरम बेटा बात तो सुनो। हद होती है जिल्लत की, रुसवाई की भी एक हद होती है, नहीं रहना मुझे अब इस घर में। एक बात बताइए मुझे, माना कि हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बैठा हमारे आगे पीछे, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ज्यादती होती रहेगी? ये क्या हो रहा है, ऐसे कोई करता है भला? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं करता भला, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती की जाती है ना, ये करते हैं लोग, बेइज्जती करते हैं, तजलील करते हैं, जिल्लत उठानी पड़ती है हमको, लेकिन अब नहीं, सोच लिया है मैंने। देखो शबाना, गलती तो तुमसे हुई है ना? मुझसे गलती हुई है, मुझसे? अरे साबिर हुसैन, अगर तुम में हिम्मत है ना तो जाओ,
जाके अपनी बेटी की जुबान उसकी गुद्दी से खींचो जो मुझे ये कह रही है तुम्हारी बीवी को कि मेरा चक्कर उस गुंडे से था। यकीन मानो तो मैं कसम से कह रही हूं कि अगर वो तुम्हारी तुम्हारी बेटी ना होती ना तो उस बेवा की मैं हालत दुरुस्त कर देती। तो क्या वाकई ये गलत है ना? मतलब ऐसी कोई बात नहीं है साबिर हुसैन, अगर अगर तुम्हें मुझ पे एतबार है तो यकीन करो मेरी बात को। मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी शख्स सिर्फ तुम, जिसे मैंने दिलो जान से चाहा है, कभी तसव्वुर भी नहीं किया तुम्हारे सिवा किसी और का। अच्छा चलो ये बैग में से कपड़े निकालो भाई। और मैं जानता हूँ तुम्हारी और बबली की शुरू से ही नहीं बनती है। अब देखो अगर बबली कुछ कह देती है तो बर्दाश्त कर लिया करो, तुम बड़ी हो समझदार हो। हाँ ऐसे मामलों में मैं बड़ी हूँ, मैं समझदार हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताए, अगर मैं उससे बड़ी हूँ, बकौल तुम्हारे वो तो नन्ही काकी है ना तुम्हारी बेटी, अगर मैं उससे रिश्ते में भी बड़ी हूँ तो क्या तुम्हारा ये फर्ज बनता था कि तुम उसे रोकते या मुझे ये कहते कि मैं उससे माफी मांगू? मैं बड़ी थी, माफी मांगते हुए मैं अच्छी लगती? वो शबाना मुझे पूरी बात का नहीं पता था वो, इसलिए। अच्छा चलो मैं तुमसे माफी मांगता, मुझसे गलती हो गई, पहले मुझे सारी बात मालूम करनी चाहिए थी। और ये क्या तुम घर छोड़ के कहां जाती बताओ? खाम खा अपने गुस्से में खाला कोई परेशान कर। कहीं भी जाती, रोड पे जाके मैं बैठ जाती, लेकिन इस घर से मैं चली जाती। अभी मैं जिंदा हूँ शबाना, मेरे होते हुए रोड पर क्यों जाती तुम? हाँ जब मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम्हारी मर्जी। खुदा के लिए साबिर हुसैन, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे मेरे बीच कुछ भी हो लेकिन मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुम्हें कुछ हो। दिल बंद होने लगता है मेरा। बस शबाना मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो वरना। बस अब वरना कुछ भी नहीं, ऐसी बातें मत करना। अच्छा चलो ये बैग खाली करो जल्दी से और अपना मूड भी ठीक करो। अभी तक नाराज माफ नहीं किया? माफ कर दो। ठीक है क्या भाई देखो तो सही, बड़े बड़ों को शब्बों ने टहलाया है, समझता नहीं है साबिर हुसैन। शब्बों से पाला पड़ा है, मुझसे पंगा लेने चला था, तुम भी ना साबिर हुसैन कर दिया माफ। वैसे कुछ भी है बबलू, अंकल को शब्बों से मोहब्बत है। ये तुम क्यों कह रही हो? देखो कैसे शबाना के पीछे पीछे चले गए और अभी तक नहीं आए। हाँ तो ठीक है ना, करे मोहब्बत, बल्कि मेरी तो दुआ है कि शबाना को भी अब्बा से उतनी मोहब्बत हो जाए ना कि टाइम पास, क्योंकि शबाना जैसी औरतें मर्दों को सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती। मुझे कैसे याद नहीं रहा केरम को पिक करना। मैं अपनी परेशानियों में अपनी बेटी को कैसे भूल सकती हूँ? बेचारी मेरी बच्ची, कितना वेट करना पड़ा पर मैं फिर भी नहीं पहुंच सकी। अगर मैं इसी तरह टेंशन लेती रही तो बहुत बुरा होगा, ऐसे तो मैं सब कुछ गंवा बैठूंगी। नहीं मुझे कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं।
कभी। मेरी जिंदगी